हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक्सरसाइज 5.3 के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन एग्जांपल चल रहे थे, तो एग्जांपल 15 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम करेंगे एग्जांपल 16। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वेयर nth टर्म इज। हमें nth टर्म गिवन है। क्या गिवन है? nth टर्म, यानी कि ए एन इक्वस टू है अपने पास 9 माइनस 5n। ठीक है, ये nth टर्म है। ठीक है, तो nth टर्म गिवन हो और हमें फर्स्ट 15 क्या करनी है, टर्म का सम फाइंड करना है। तो हमें क्या चाहिए? एक चाहिए और डी चाहिए। तो उसके लिए हमें टर्म फाइंड करनी होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं। देखो, जब n की वैल्यू पुट करते हैं ना, जब तो ये n टर्म है। अगर n की जगह 1 पुट कर देते हैं, क्या 1, तो अपने पास फर्स्ट टर्म 1 की आ जाएगी। तो देखो 9 माइनस 5 इक्वस टू 4, ये क्या आ गई? फर्स्ट टर्म। कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। n इक्वस टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 10 माइनस 1, ये आ गई सेकंड टर्म। थर्ड टर्म n की जगह 3, 9 माइनस 15 इक्वस टू माइनस के 6। तो अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP आ गई क्या? 4 माइनस 1 एंड माइनस 6। ऐसे ही हमें कौन सी टर्म, कितनी का सम फाइंड करना है? 50 टर्म का सम फाइंड करना है, सम ऑफ 50 टर्म। ठीक, तो A अपने पास है, A की वैल्यू अपने पास क्या है? 4। D अपने पास क्या है? माइनस 1 में से माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5। N अपने पास है 15। फॉर्मूला अपने पास है ही, एस एन इक्वस टू एन अपॉन 2, 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर देंगे, n की जगह 15 अपॉन 2, a की वैल्यू 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8, प्लस n अपने पास 15 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया? 14, 14 का मल्टीप्लाई माइनस 5 से। d की वैल्यू क्या है? माइनस 5। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 अपॉन 2 8 14 5 जा 70, माइनस के हैं तो माइनस के 70। क्लियर, ये प्लस ये माइनस, अपने पास बचेगा माइनस के 62, 15 अपॉन 2 इंटू माइनस के 62, काट देते हैं 2 से, 31 कितने के? माइनस के। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 वन जा 15 कैरी 1, 15 थ्री जा 45 एंड 46 माइनस। तो अपने पास एस एन इक्वस टू आया माइनस 4, 6 और 5। क्लियर, माइनस में ही आएगा क्योंकि देखो ये नंबर अब अपने पास कॉमन डिफरेंस है माइनस 5, तो ये नंबर आगे चलते जाएंगे तो माइनस 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 के ही आते चले जाएंगे, इसलिए उनका सबका सम कितना आएगा? माइनस के 4, 5, 6। ये हो गया अपने पास एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 49, क्या है? सम ऑफ 7th टर्म। तो सम ऑफ यानी कि एस 7
एन की जगह एस एन, मतलब अपने पास सेवेंथ टर्म, जो अपने पास सेवन टर्म है ना, फर्स्ट से सेवन टर्म, उनका सम कितना है? सम है अपने पास उनका 49। यानी कि देखो फॉर्मूले से लिखते हैं तो कैसे, ये एस एन इक्वस टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टू इक्वस टू कितना दिया गया है 49। कितना है 49। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, सम ऑफ 17 टर्म इज 289। अब हमें 17 का टर्म का दिया है तो देखो यहां एन की जगह क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। और तो देखो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो एन टर्म का है ये, तो देखो हमें अब फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड द सम ऑफ इट्स एन टर्म, एन टर्म फाइंड करनी है हमको, यानी कि जनरल टर्म। तो देखो ये हमें 7 का गिवन है, तो 7 अपॉन 2 टू ए प्लस 7 माइनस 1 6 इन टू डी इक्वस टू कितना है 49। कितना आ गया 49। अब ये इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आएगा और ये डिवाइड में आएगा, तो देखो 2a प्लस 6d इक्वस टू 49 इंटू 2 अपॉन में 7, तो ये कितनी टाइम कट गया 7 टाइम, तो ये आ गया 40, ठीक है। अब देखो ये एक इक्वेशन बनी है ना 2a 6d और 14, इन सब को हम और सॉल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं, 2 से डिवाइड दे देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एस एन इक्वस टू ये हो गया ए प्लस 3d इक्वस टू 7, ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसने हमें जो सेकंड बोला है वो बोला है कि 17 जो टर्म है ना उनका सम, तो उसको भी हम कर लेते हैं। देखो एस एन 17 अपॉन 2 टू ए प्लस 17 माइनस 1 कितना होगा 16d इक्वस टू गिवन है 289। कितना गिवन है 289। और हमें एन टर्म यानी जनरल टर्म फाइंड करनी है, सेम 2 मल्टीप्लाई में 17 डिवाइड में, यहाँ है 2a प्लस 16d इक्वस टू 289 इंटू 2 अपॉन 17। देखो जो 289 होता है ना वो 17 का स्क्वायर होता है, तो इससे हम इसको कट करेंगे जब कितना आएगा 17, ठीक है। सेम इसमें इसमें और इसमें 2 से डिवाइड देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वस टू 17 इंटू 2 कितना होता है 34, में 2 से डिवाइड दे देंगे तो 17 ही बचेगा 17, ये हो गए इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो हमें तो a और d की वैल्यू फाइंड करनी है ना nth टर्म फाइंड करने के लिए, तो a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये अपने पास दो इक्वेशन आ गई, a प्लस 3d एंड a प्लस 8d, तो इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। देखो a प्लस 8d इक्वस टू 17, a प्लस 3d इक्वस टू 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल, यहाँ बचेगा 5d, यहाँ बचेगा अपने पास 10, तो d इक्वस टू आ गया 10 अपॉन 5 2, क्या आ गया 2। अब d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं जैसे हम पहले करते थे, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देना है ना, तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वस टू 7, a प्लस 6 इक्वस टू 7, देन a इक्वस टू 7 माइनस 6 1। a की वैल्यू क्या है 1 और d की वैल्यू है 7, क्या है 7। अब हम फाइंड करते हैं कौन सी जनरल टर्म, तो जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, जनरल टर्म किसकी फाइंड करनी है हमें, अब सम की, किसकी फाइंड करनी है सम की, है ना। पहले तो अपने पास nth टर्म फाइंड, nth टर्म की जनरल टर्म थी, अब हम एस एन की जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो सूद फॉर्मूला वही जो सेम लग रहा है ना, वो n अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें पुट कर दो n अपॉन 2 तो n अपॉन 2 ही रहेगा, 2a, a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1
और d कितना है 2, तो ये तो हो जाएगा 2n प्लस का और ये क्या हो जाएगा माइनस के 2, ठीक है। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास n अपॉन 2 इनटू में 2n, ये 2 से ये 2 कैंसिल, अपने पास आ गया n स्क्वायर, क्या आ गया n स्क्वायर। तो अपने पास जो जनरल टर्म है ना वो क्या आ गई n स्क्वायर, क्या आ गई n स्क्वायर अपने पास आ गई जनरल टर्म, ठीक है। तो जैसे ही अपने पास जनरल टर्म आ गई तो देखो जनरल टर्म का मतलब क्या होता है वो समझते हैं कि जनरल टर्म से क्या मतलब है। देखो जनरल टर्म अपने पास आ गई n स्क्वायर, तो n स्क्वायर यानी कि अब हम n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे ना उतनी ही नंबरों का सम आ जाएगा। जैसे देखो अगर मैं रखता हूँ 2 तो 2 नंबरों का सम कितना हो जाएगा 4, अगर मैं रखता हूँ 3 तो 3 का हो जाएगा 9। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था अपने पास 7 टर्म थी, ठीक है ना, 7 टर्म का सम कितना था 49। देखो यहाँ 7 पुट करके देखो 7 × 7 = 49, 17 पुट करके देखो 17 × 17 = 289। तो ये जो अपने पास a और d, a अगर 1 है और d अगर 2 है तो इसका जनरल टर्म क्या होगी n स्क्वायर। तो देखो n अगर किसी की जनरल टर्म फाइंड करनी है ना तो a और d की वैल्यू फाइंड करो, n रहने देना, n तो हमें चाहिए क्योंकि वो nth टर्म है, जनरल टर्म यानी nth टर्म। तो सम ऑफ nth टर्म की जनरल टर्म क्या होगी इस वाले क्वेश्चन के लिए n स्क्वायर। अब कितने ही नंबरों की आप क्या फाइंड कर सकते हो यहाँ सम फाइंड कर सकते हो, अगर हमें 10 नंबरों का सम फाइंड करना है इस सीरीज का तो 10 की वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह क्या जाएगा 100 आ जाएगा। जैसे 7 का 49 था और अपने पास 17 का 289 था, इसी तरह 10 का 100 हो जाएगा, 20 का कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो किसी का भी हम अब इस जनरल टर्म से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एस एन की जनरल टर्म दी गई है, यानी देखो एस एन इक्वल टू कोई भी जनरल टर्म दी गई है, जैसे मान लो हमें दी गई है 2a प्लस एन, मतलब 2a की तो वैल्यू अपने पास है ही, जैसे मान लो 9 प्लस में 2n, तो अगर हम यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना तो अपने पास क्या आ जाएगी फर्स्ट सम, फर्स्ट टर्म का सम। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो फर्स्ट 2 जो टर्म है ना उनका सम, 3 रख देंगे तो फर्स्ट 3 टर्म का क्या जाएगा सम आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हम सम फाइंड कर लेते हैं अगर हमें nth क्या टर्म गिवन हो तो। अब हमें nth टर्म हमें फाइंड करनी थी तो हमने nth टर्म फाइंड कर ली। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 17। क्या किया, कुछ नहीं किया, जो अपन को गिवन है ऐसे कैसे लिख दिया, सबसे पहले फॉर्मूला पुट किया उसके सामने 49, इसको सॉल्व करने के पास बाद अपने पास क्या गया a प्लस में 3d इक्वल टू 7। फिर हमने दूसरा था जो 17 टर्म उसको फॉर्मूले में पुट किया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट की तो अपने पास a की वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल 18, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4n माइनस n स्क्वायर। देखो अब हमें क्या दी गई है, अभी तो हमने एस एन की जो टर्म फाइंड की थी ना अब हमें वो टर्म गिवन है, यानी एस एन की हमें जनरल टर्म गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमें एक जनरल टर्म गिवन है। अब उसने हमसे बोला है What the first term? What is the sum of first two term? What is the second term? Similarly find third term and tenth and nth term. ठीक है, तो हमें खूब सारी इसमें टर्म फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, टर्म फाइंड करनी है ना, तो देखो अब हम इसकी हेल्प से सारी की सारी टर्म कैसे फाइंड करेंगे। देखो अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म,
सम ऑफ फर्स्ट टर्म। यहां क्या रख देंगे, वन पुट कर देंगे, किसकी जगह, एन की जगह। वन पुट करने से कोई चांस नहीं होगा, यहां वन, वन का स्क्वायर वन, तो थ्री। तो थ्री पता है क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का सम थ्री, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही है भाई। पहली टर्म अगर कोई थ्री है तो इसका सम भी कितना होगा, थ्री होगा। तो अपने पास फर्स्ट टर्म आ गई, क्या आ गई, फर्स्ट टर्म, यानी कि ए वन अपने पास क्या आ गई, थ्री। ये तो हो गई फर्स्ट टर्म। अब हम फाइंड करते हैं सम ऑफ टू टर्म, जो फर्स्ट टू टर्म है, फर्स्ट टू टर्म क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो n की वैल्यू इस इक्वेशन में ही क्या पुट कर देंगे, टू। तो फोर इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर। तो ये हो गया एट माइनस फोर, कितना आ गया, फोर। तो ये क्या है, ये है सम, सेकंड टर्म नहीं है, ये है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है, ये है, तो हमें a2 निकालना है। क्या निकालना है, a2। तो a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 4 में से माइनस करेंगे 3। भाई ये क्या है, दो टर्म का सम है। ठीक है, मान लो दो कोई भी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का सम है 4, और फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 3, तो सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, इस 4 में से 3 माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगी। ऐसे हम क्या फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, थ्री पुट कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा 4 इंटू थ्री 12 माइनस 9 इक्व टू कितना आ गया, 3। तो अब हम 3 में से क्या माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, क्योंकि अब फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम कितना है, 4 है, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म इसमें से माइनस कर देंगे। तो a3 थ्री इक्व टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 इक्व टू माइनस 1। तो अपने इसमें जो कुछ क्वेश्चन थे ना वो तो सॉल्व हो गए, जैसे उसने पूछा था फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी थ्री, सेकंड टर्म सम ऑफ फर्स्ट सेकंड टर्म है फोर एंड सेकंड टर्म है थ्री, फिर है फर्स्ट सम ऑफ थ्री टर्म है थ्री एंड अपने पास थर्ड टर्म आ गई कौन सी, माइनस वन। तो देखो अपने पास ए पी क्या बन के आ गई, ए पी अपने पास है थ्री वन माइनस वन। अब उसने क्या पूछा है, अब तो वो कोई सी टर्म फाइंड करवा ले, हम कोई सी भी टर्म फाइंड कर लेंगे, कौन से फॉर्मूले से, ए एन वाले से, है ना। तो उसने बोला है कि हमें सम फाइंड नहीं करना, टेंथ टर्म फाइंड करनी है, कौन सी टर्म, टेंथ टर्म। तो ए टेन इक्वस टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, ए कितना है थ्री, प्लस एन माइनस वन, तो एन तो है टेन, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू डी, डी देखो कितना है माइनस 2, कितना है माइनस 2। तो ए टेन इक्व टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस के 18, या माइनस क्या आ जाएगा 18, तो अपने पास क्या आ जाएगी 15। टेंथ टर्म क्या आ गई अपने पास, 15 आ गई। अब हम फाइंड करते हैं ए एन टर्म, कौन सी फाइंड करते हैं, ए एन यानी जनरल टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जनरल टर्म फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू अपने पास है थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू ये है अपने पास माइनस टू, तो थ्री इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो माइनस के टू एन, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो प्लस के टू, तो जनरल टर्म अपने पास आ जाएगी वन माइनस के टू एन, क्या आ गई 1 माइनस टू एन। तो देखो अब इस जनरल टर्म से अगर हम सबसे पहले क्या निकाल लें, जनरल टर्म, तो जनरल टर्म कब तक नहीं निकलती, जब तक a और d की वैल्यू ना हो। अब देखो इसमें किसी की वैल्यू पुट कर दो, अपने पास आंसर आ जाएगा, सॉरी ये है 5 होगा, देखो 3 प्लस 2 क्या होगा 5, ये 1 लिख दिया ना, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो a n टर्म अपने पास क्या आई है 5 माइनस 2n। अब देखो n की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दो और वही टर्म निकल के आ जाएगी, जैसे अभी हमने 10 निकाली थी ना 10 टर्म, तो n की जगह 10 पुट करो, तो 10 पुट किया 10 इंटू टू
20 में से 5 गए तो ये माइनस के 15 बचेंगे, ये माइनस के ही तो 15 है, ये माइनस लिखा नहीं है ना, माइनस के 15। अगर देखो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है तो फर्स्ट पुट कर दो तो 5 माइनस 2 3, सेकेंड टर्म निकालनी है तो सेकेंड पुट कर दो 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 1, 3 करनी है तो 6, 5 में से 6 गए तो माइनस के 1। तो ये जो जनरल टर्म होती है ना, इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी n की वैल्यू पुट करो और वो ही टर्म हम फाइंड कर लेते हैं। कोई सी भी टर्म बोल दो ये कि ये टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह उतनी ही वैल्यू पुट करो और वो ही टर्म अपने पास क्या हो जाती है, फाइंड हो जाती है। ठीक है, बस ये याद रखना कि हम ये हमें जो टर्म दी गई है ना, ये कौन सी है, सम की है ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, जितनी n की वैल्यू पुट करेंगे उतनी टर्म का सम निकल के आएगा और इसमें हम n की वैल्यू जितनी रखेंगे उतनी भी टर्म फाइंड होगी। 10 रखेंगे तो 10th जो टर्म होगी ना वो फाइंड हो जाएगी। अगर यहाँ हम n की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो फर्स्ट 10 टर्म का सम फाइंड होगा, क्योंकि ये जनरल टर्म है सम की जो हमें गिवन है और हमें फाइंड करनी है nth टर्म। इससे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, उसमें हमें क्या गिवन थी, nth टर्म गिवन थी और sn टर्म फाइंड करनी थी। इसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया, sn टर्म हमें गिवन है और हमें an टर्म क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब है एग्जांपल 19। देखो 19 टर्म में बोला है फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 3 बिटवीन 250 टू 1000। ऐसे क्वेश्चन हमने काफी सारे किए हैं, लेकिन उनमें हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना था, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ टर्म, यानी कि 3 से मतलब 250 से बिटवीन कहाँ तक, 1000 के बिटवीन जितने भी 3 के क्या हैं मल्टीपल्स हैं या फिर 3 से डिवाइडेड नंबर हैं, उन सब का सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें n फाइंड करना होगा ना, कि कितने नंबर हैं, सबसे पहले तो यही फाइंड करना होगा कि कितने नंबर हैं, फिर उसके बाद हम उनका सम करेंगे। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं कि 250 से और 1000 के बिटवीन इनकी फर्स्ट और लास्ट टर्म कौन सी है। तो देखो 250 में डिवाइड देते हैं कितने का, 3 का, टेन में नहीं जा रहा, जा रहा है क्या, नहीं, तो 250 में कंप्लीट नहीं जाएगा। अब अगर मैं यहां 1 पुट कर दूं तो 1 11 हो जाएगा, तो 11 में भी नहीं जाएगा। अब मैं यहां पुट करता हूं 2 तो यहां भी क्या आएगा, 2, तो इसमें चला जाएगा 4 टाइम। तो अपने पास जो फर्स्ट नंबर है 250 के बाद वो कौन सा है, 252 है, जिसमें 3 से डिवाइड चला जाएगा, इसमें तो जाएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो इससे जस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉल नंबर कौन सा है, 999, इसमें 3 से डिवाइड चला जाता है। ठीक है, ये तो अपने पास आ गई कौन सी, फर्स्ट और लास्ट टर्म जिसमें क्या चला जाता है, 3 से डिवाइड। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है ना, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करते हैं हम, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, ए एन की वैल्यू अपने पास है 999 इक्वल्स टू ए अपने पास है 252, एन माइनस 1 हमें फाइंड करना है n की वैल्यू, और d अपने पास क्या है, 3, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 से डिवाइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 3। देखो 252 ये हो जाएगा, ये आएगा प्लस 3n माइनस के 3, इधर है 999। देखो 252 में से माइनस गए 3 तो कितना बचेगा, 249 प्लस के 3n, ये इधर आके क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट, क्या हो गए, सबट्रैक्ट इक्वल्स टू 3n।
देखो 9 से 9 गए तो 0, 9, 5, 7, कितना बचा है 750 इक्वल्स टू 3n, तो वैल्यू ऑफ n कितनी हो गई 750 अपॉन 3, 2, 5, 0, कितनी आ गई 250 आ गई। ये क्या है n की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है सम ऑफ n टर्म। क्या फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म, तो हम किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले से करेंगे, क्योंकि अपने पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, वो सिंपल फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस में एल। ठीक है, इससे ही करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, उस कंप्लीट वाले फॉर्मूले से तो करने की जरूरत है ही नहीं, इससे ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। एन की वैल्यू अपने पास 250 है, अपॉन में 2 है, इन टू ए अपने पास है 252 प्लस में ये है अपने पास 9, 9 और 9, इसमें इसका डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 125 इन टू, इनको सम कर देते हैं 9 and 2 11, कैरी 110 and 5 15, कैरी 1 ये हो गया 12, इन दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका। ठीक है, देखो 1251 मल्टीप्लाई बाई 125, 5 1 5 5 5 25, कैरी 2 5 2 10, 2 5 and 6 ये हो गया 1 1 0 5 2, ये हो गया 1 5 2 1, 5 6 3 6 5 1, ये हो गया अपने पास 1,56,376, 2 1 2 यहाँ आएगा 76, 2 1 2, ठीक है, कितना आ गया अपने पास 1,56,376, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 29। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें भी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या टर्म, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, क्योंकि भाई 250 से जो हमें कौन सी ग्रेटर है जिसमें 3 से डिवाइड देना है ये चेक करना है, फिर 1000 से जो लेस देन जिसमें 3 से डिवाइड करना है वो चेक करना है। इसकी इसके हेल्प से ए एन की वैल्यू इसको पुट किया, इस फॉर्मूले की यूज से हमने एन टर्म फाइंड कर ली, फिर इनका सम कर दिया इस फॉर्मूले से, क्योंकि अपने पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, तो जब भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होती है तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर देते हैं सम फाइंड कर लेते हैं। आज के लिए केवल इतना ही है, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे।